हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेज। तो आज मैं किसी भी तरह का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो नर्सिंग में हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक ड्राफ्ट भरेंगे वो किस टाइप से भरेंगे। काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि मैम ये जो ड्राफ्ट है कितने का बनेगा और रिन्यूअल के लिए कितने का बनेगा, या फिर जैसे GNM ANM या पोस्ट BSc उनका जो उनकी जो रिन्यूअल फीस है वो सेम पड़ेगी, या ऐसे ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, काफ़ी मैसेज आए मुझे थे। तो उसी से रिलेटेड मैं सबसे पहले ये बता रही हूँ कि जो अगर तुम लोग फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं नर्सिंग का, तो GNM ANM एंड BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, सभी की फ़ीस अलग अलग है। जो GNM की आई थिंक 1500 टू 2000 करीबन है, और BSc नर्सिंग की 2000 है, और उसकी पोस्ट BSc की 2500 है जो रजिस्ट्रेशन फीस पड़ेगी हमारा, जो DD बनेगा। और बाकी अगर रिन्यूअल कराते हैं तो 600 सभी की है। 600 आपकी फ़ीस तब है जब आपके रिन्यूअल का टाइम टाइम वही ईयर है जो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है। यानी कि सर्टिफिकेट में अगर आपका रिन्यूअल टाइम 2015, तो अगर आप 2015 में रिन्यूअल करवा रहे हो तो आपकी 600 फीस पड़ेगी। बाकी अगर 1 ईयर लेट है तो 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और 2 ईयर लेट है तो उसमें 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ फ़ीस पड़ेगी। जैसे जैसे आपके साल बढ़ेंगे, कोई 3 साल बाद करवाता है तो उसे 300 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और वैसे जो इसकी स्टार्टिंग फीस है, मतलब वो आपकी 600 है, तो जो हमारा DD बनेगा वो 600 का बनेगा। बाकी DD आपका किसी भी बैंक बैंक से बनेगा, SBI हो गया, PNB हो गया, या फिर अदर कोई भी बैंक है। तो जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये SBI का बैंक ड्राफ्ट है। इसे फिलअप कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रांच का नाम आएगा। तो जैसे हमारी ब्रांच है आस पास, जहाँ पर मैं बनवा रही हूँ वो है टर्नर रोड देहरादून, ये आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर डेट आएगी, तो डेट आज 12/4/2022। ओके, फिर यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम आएगा, जैसे आपका खुद का नाम है, मान लो मैं लिखती हूँ सपना चौहान, सपना चौहान। यहाँ पर आएगा कि आप किसके नाम पे ये ड्राफ्ट बनवा रहे हो, तो ये बनेगा आपका, जो ये ड्राफ्ट बनेगा वो बनेगा उत्तराखंड, नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल देहरादून, इसके नाम पे ड्राफ्ट बनेगा। फिर आता है उसके बाद अमाउंट, तो अमाउंट आपके 600। बैंक चार्ज पड़ता है आपका, जो बैंक चार्ज होगा वो 45 है SBI का, तो टोटल बनेगा आपका 645 का जो बनेगा। उसके बाद अमाउंट में लिखना, तो यहाँ पर 600 ओनली आएगा, 600 ओनली। फिर उसके बाद फिर यहाँ से फिर से ब्रांच का नाम आएगा, तो टर्नर रोड देहरादून। बना क्या रहे हम, DD बना रहे, बैंक ड्राफ्ट किसके अगेंस्ट बना, क्या आपके पास कैश से बना रहे तो कैश का आएगा, चेक से बना रहे तो चेक पे टिक करना है, और डेबिट कार्ड से बनाओगे तो डेबिट कार्ड का आएगा। फिर उसके बाद दोबारा से पेन नेम आएगा, तो आएगा ये वही आएगा आपका उत्तराखंड, नर्सेज, मिडवाइफ्स, काउंसिल देहरादून। इसमें अमाउंट आएगा, सिक्स हंड्रेड ओनली। फिर यहाँ पर आपका इसमें मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, जो पैन कार्ड आपका पैन नंबर वो आएगा इसमें, और यहाँ पर आपका एड्रेस और नाम आएगा।
दे रहा था। उसके बाद यहाँ पर इस जगह पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और बाकी ये ब्रांच वाले खुद ही फिलअप करेंगे। और यहाँ पर फिर से आएगा 645, यानी 645 ये आएगा इसमें। तो जो ये बैंक ड्राफ्ट है इतना फिल करना है। उसके बाद है आपको ये 1 आवर में जमा करवाना, फिर 1 घंटे में आपको ये वापस मिल जाता है। 1 घंटे में आपका DD बनकर आपके पास आया, तो वो DD आपको जाकर जो DJ ऑफिस है वहाँ पर जमा करना है। तो ये था जो मतलब DD है वो किस तरह से फिलअप करना है, किसका नर्सिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसके लिए किस तरह से फिलअप करना है। तो थैंक यू सो मच। अगर कुछ फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो एक बार शेयर उसे ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।